फिटनेक अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, स्पीकर लॉन्च कर रहा है, TWS फिटनेक बैंड, फिर एक और TWS जो आज हमारे पास आ रखा है जिसका नाम है डुओपॉड्स ENC A550 जो कि काफी कूल लग रहा है और प्राइसिंग इसकी रखी है 1300 रुपए, लेकिन लॉन्च प्राइस जो है 1300 रुपए रखी है। इंटरेस्टिंग है इसमें जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वाली चीज जो रखी कॉलिंग के टाइम पे स्पेशली वो इसका हाईलाइट है, तो देखेंगे जानेंगे वीडियो में, बट पहले खोलेंगे डब्बा। डब्बे पे आपको देखने को मिलती है वही मीवी की ब्रांडिंग वगैरह, पीछे कुछ की हाईलाइट्स दे रखे हैं। कंटेंट पैकेज की बात करें तो वही आपको 1 साल का वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक आपको मिल जाता है थैंक यू कार्ड और एक मिल जाएगी मैनुअल जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और एक्सेसरीज के तौर पर आपको यहाँ पे मिल जाता है एक्स्ट्रा सिलिकॉन के एयर टिप्स और आपको एक चार्जिंग केबल दे रखी है टाइप सी वाली। अगर सीधे बात करें हम लोग यहाँ पे डिवाइस को लेकर, डिवाइस का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा लगा मुझे, ग्लॉसी फिनिश, लुक काफी एलिगेंट है, दिखने में काफी ज्यादा आई कैचिंग है, और जो मेरे पास कलर आ रखा है ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे पर्सनली। नीचे आप बॉटम में आपको जो है बैटरी इंडिकेशन वगैरह प्रोवाइड कर रखा है, टाइप सी का पोर्ट भी दे रखा है और ऊपर मीवी की ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, और जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा इस डिवाइस का वो है कि इसकी बिल्ड काफी सॉलिड है, अच्छा प्लास्टिक इन्होंने यहाँ पे यूज करा है, इवन जो हिंजेस वगैरह है उसके जो मैग्नेट्स वगैरह वो भी काफी अच्छे दे रखे हैं, साथ ही साथ मेड इन इंडिया डिवाइस है तो कहीं ना कहीं दिल को ज्यादा इंप्रेस करता है ये। बट अगर ईयरबड्स के डिजाइन की बात करूं तो वही सिमिलर डिजाइन आपको देखने को मिलता है जो कि प्रीवियस जनरेशन वाले आपने ईयरबड्स में देखा होगा मीवी के, इन ईयर टाइप आपको डिजाइन मिलता है। फिटिंग अच्छी है, जैसा कि मैंने पिछले भी बार कहा था कि जो इस तरह के ईयरबड्स आते हैं मोस्ट ऑफ द ईयरबड्स काफी अच्छे फिट हो जाते हैं, इसकी फिटिंग भी काफी सही है, मतलब अगर आप रनिंग वगैरह के टाइम पे पहन रहे हो, वर्कआउट के टाइम पे पहन रहे हो, पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिजाइन में तो ऐसा मीवी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, बट अगर हार्डवेयर को लेकर हम लोग बात करें तो ब्लूटूथ जो है 5.1 उन्होंने यूज किया है, कनेक्टिविटी अच्छी आपको मिल जाती है, 10 मीटर की रेंज में काफी अच्छे तरीके से ऑपरेट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IPX4 रेटेड भी है, तो अगर आप इसको बारिश वगैरह में यूज कर रहे हो, हल्का फुल्का स्प्लैश अगर लग रहा है डिवाइस पे तो कोई दिक्कत नहीं, वर्कआउट के टाइम में पसीना वगैरह भी आ रहा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ये उसको सर्वाइव कर जाते हैं। बट जो हाईलाइट इस डिवाइस का सबसे बड़ा वो है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस, 50 आवर्स का प्लेबैक यहाँ पे इन्होंने क्लेम कर रखा है डिवाइस के साथ में, सिंगल चार्ज में 8.5 आवर्स तक आपके ईयरबड्स हो जाते हैं। एवरेज अगर बात करूँ तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है क्योंकि हर यूजर अपने हिसाब से यूज करता है, कुछ फुल वॉल्यूम पे सुनना पसंद करते हैं, कुछ 50% पे सुनते हैं, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि 5 से 6 घंटे आपके ईयरबड्स चल जाएंगे एक सिंगल चार्ज में। वहीं अगर विद द केस की बात करें तो 500 mAh की बैटरी वाले इस केस से आप इस डिवाइस को 5 बार चार्ज कर सकते हो, यानी कि 8.5 घंटे आपके चल ही रहे, उसके बाद 5 बार और आप चार्ज कर सकते हो, तो अच्छा बैटरी बैकअप आपको डिवाइस में मिलने वाला, और मैं काफी इंप्रेस हूँ यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस को। जैसे कि यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दे रखा है तो 10 वॉट के मैक्सिमम चार्जर के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, तो आपको फास्ट चार्जिंग भी इस डिवाइस में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। अब सवाल उठ के आते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस को लेके, तो 13 mm के ड्राइवर्स इन्होंने यहाँ पे यूज करें और साउंड क्वालिटी परफॉर्मेंस का जो एक्सपीरियंस रहा है इस डिवाइस के साथ वो काफी अच्छा रहा, मतलब अगर हम बात करें तो काफी बैलेंस साउंड आपको सुनने देता है। ट्रेबल्स में एक चीज कहना चाहूंगा कि मिड्स थोड़े से और बेहतर हो सकते थे, मुझे लगा कि मिड्स थोड़े से वीक है यहाँ पे, और जो बेस है वो पंची है पर डेप्थनेस नहीं है बेस में, वो अगर थोड़ा सा होता तो और इफेक्टिव सुनने देता, बट ये चीज म्यूजिक लिसनर के लिए काफी अच्छा रहने वाली है। मूवी के टाइम पर अगर आप ईयरबड्स को यूज करें तो थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस कहना कम हो सकता है क्योंकि जो बैकग्राउंड का सेपरेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह होता है, वो उतना इफेक्टिव इस डिवाइस में नहीं है, बट प्राइसिंग के हिसाब से अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो काफी हद तक आपको अच्छा साउंड यहाँ पे मिल जाता है। जो लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन है उससे पर्सनली मैं काफी इंप्रेस हूँ, मतलब अगर आप फुल वॉल्यूम पे भी सुनोगे तो डिस्टॉर्शन वगैरह बिल्कुल नहीं ईयरबड्स में, तो हम वहाँ आपका जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा रहने वाला है। बट बात करें सबसे एसेंशियल पार्ट को लेकर जो कि कॉलिंग वाली चीज, तो यहाँ पे MEMS माइक्रोफोन्स का इन्होंने यूज कर रखा है और उन्होंने क्लेम करा है कि 90% जो ये एनवायरमेंट यानी कि जो आसपास की नॉइज है उसको कैंसिल करता है ड्यूरिंग द कॉल्स, तो फटाफट टेस्ट करके देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। तो गाइस जो आप सुन रहे हैं वो इन ईयरबड्स के माइक्रोफोन्स रिकॉर्डर और कुछ इस तरह का परफॉर्मेंस देंगे कॉलिंग के टाइम पे, जब आप इसको यूज करेंगे तो सामने वाले की जो आपकी आवाज है वो कुछ इस तरीके से आती है, जो एनवायरमेंट की नॉइज है उसको यहाँ पे कुछ ऐसा जो है कैंसिल करता है। तो मेरा से तो काफी डिसेंट यहाँ पे माइक ने परफॉर्म किया है, आप जरूर से कमेंट करके बताना कि आपको परफॉर्मेंस कैसे लगी माइक के यहाँ पे। बट अगर गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के साथ से डिवाइस काफी इफेक्टिव रहने वाला है क्योंकि लो लेटेंसी इन्होंने यहाँ पे क्लेम कर रखा है और मैंने टेस्ट भी किया था, काफी अच्छे से वर्क कर रहा था। बट जो एक चीज होती है गेमिंग के टाइम में कि आसपास की सराउंडिंग की चीजें आपको प्रॉपर सुनाई देना चाहिए, तो उस मामले में थोड़ा सा ये कहना कमजोर पड़ता है। अब सवाल उठ गया था टच फंक्शंस को लेके, तो टच प्रॉपर आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आप वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, इससे ट्रैक्स वगैरह चेंज कर सकते हो, वही नॉर्मल सिंगल टैप डबल टैप वाले फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, लिस्टिंग आप देख सकते हैं कि इस तरह के फंक्शंस यहाँ पे ऑपरेट होते हैं इस ईयरबड से। बट अगर प्राइसिंग के हिसाब से मैं डिवाइस से कंक्लूजन को लेकर बात करूँ तो 1300 रुपए के प्राइस पॉइंट पे कहीं ना कहीं इफेक्टिव डिवाइस है, कॉलिंग पर्पज से मैं इस डिवाइस को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि परफॉर्मेंस कॉलिंग के टाइम पे काफी अच्छी रही ईयरबड्स की। दूसरा यहाँ पर जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफी इफेक्टिव आपको देखने को मिलती है, तो अगर ये दो चीजें अगर आपके फैक्टर में है खरीदने के टाइम पे तो आप इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगी। जाते थे बस ये कहूंगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर करना और प्यारा वाला कमेंट जो कर कहना कि जब भी आप कमेंट वगैरह आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और नीचे एक और लिंक दे रखी है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, वहां फॉलो करके थोड़ा सपोर्ट और प्यार जरूर से देना हमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहेगा इन दो एक्सप्लोर के साथ।